ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 127वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और इसमें हमने प्रारंभ से पहले दूसरे अधिकरण को और तीसरे अधिकरण का कुछ भाग पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 634 पे। हाँ, 634 दूसरे सूत्र के भाष्य में जो प्रारंभ हुआ है वहाँ पर हेतु को और लक्षण को अलग अलग बताया है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो हेतु होता है उसी को हम लक्षण के रूप में प्रस्तुत भी करते हैं। ये जो संस्कृत की भाषा है, शेषः परार्थत्वात्, ये तो हेतु के रूप में है। शेष शेष क्यों है? क्योंकि परार्थ है, परार्थ होने के कारण। हेतु में सब पंचमी विभक्ति है यहां पर, तो यहां पर शेष का कोई लक्षण नहीं कहा गया है सीधे सीधे शब्दों से, इसलिए यह हेतु दिखाई दे रहा है। तो हेतु भी है लेकिन इसके साथ साथ शेष क्या होता है यह भी हमें पता लग गया कि जहां परार्थ होता है, परार्थता होती है, दूसरे के लिए कार्य होता है, उसको शेष कहते हैं। ये लक्षण भी हो गया। तो लक्षण और हेतु दोनों अलग अलग चीजें हैं। हेतु के आधार पर लक्षण भी बना है वो यहां पर किया गया, इसलिए भाष्यकार ने ऐसा लिखा है। और कोई? ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 637 में भाष्य की दूसरी पंक्ति है, तो यहाँ पर याग के बारे में बताते हुए कि याग परार्थ नहीं होता है, शेष नहीं होता है, उसको बताते हुए कह रहे हैं सही पुरुषार्थ, वो जो याग है वो पुरुषार्थ है अर्थात पुरुष के लिए है। तो अगर पुरुषार्थ है तो फिर परार्थ हो ही गया, तो फिर ये कैसे? पुरुष को वो करना है बस, पुरुष को उसे करना है बस, पुरुष के करने के लिए है वो कर्म जो है। इन्होंने जो लिखा, न ही तस्मिन निर्वर्तिते किंचित अपरम अस्ति कर्तव्य, याग हो गया तो अब उसके बाद और कुछ करने के लिए नहीं है। सही पुरुषार्थ, वो पुरुष के लिए, पुरुष के लिए मतलब यहां उस तरह से लेना होगा, बस पुरुष के लिए, पुरुष को करने के लिए, पुरुष ने कर लिया, पुरुष को करने के लिए था वो और पुरुष ने उसको कर लिया बस। अब इससे कुछ और होने वाला है वो नहीं है। जो आगे इन्होंने लिखा है, सतु न किंचित अभिनिर्वर्तयितुम, निर्वर्तयितुम क्रियते, कुछ और करने के लिए नहीं किया जा रहा है। अन्य चीजें उसके लिए हैं, वो शेषभूत है, लेकिन वो किसी के लिए और हो, कुछ और करने के लिए हो, वो नहीं है। पुरुष ने उसको किया, पुरुष के करने के लिए वो था, लेकिन उसके करने से पुरुष में कुछ वो बदलाव आ गया ऐसा नहीं है। और फलम अपिना तेन क्रियते, और जो फल कहा भी जाता है तो वो भी नहीं किया जा रहा है। एक दृष्टि है, इसको रखा है इन्होंने, पक्षांतर सूत्र माना है। हालांकि युधिष्ठिर जी ने इस बात को संकेतित किया है कि पक्षांतर मान करके इसको दुर्बल पक्ष नहीं मानना चाहिए, या खंडित पक्ष या पूर्व पक्षी का पक्ष नहीं मानना चाहिए। ये भी ऋषि थे, उन्होंने किसी विशेष दृष्टि से यह कथन किया है। तो याग से कुछ और आगे नहीं होने वाला है, बस इसलिए यह परार्थ नहीं है। और कुछ? हाँ, इसी प्रसंग में जी, ये हिंदी वाला भाष्य जो है, हिंदी व्याख्या जो है, ऊपर से जो चौथी पंक्ति है, हाँ, के मध्य से फल भी उससे नहीं उत्पन्न होता है, हाँ, उस याग के करने पर वह फल स्वयं प्राप्त हो जाता है। जी, ये बात ही नहीं समझ में आ रही। हाँ, क्योंकि हम तो अभी तक यही समझते आए हैं कि जो याग होता है उस याग से अपूर्व बनता है और उस अपूर्व के माध्यम से हमको मिलता है। ठीक है, ये तो सिद्धांत बताया ही गया है, पीछे प्रसंग आ ही चुका है कि कर्म करते हैं उससे कर्म तो वहीं नष्ट हो जाता है क्षणिक है, उससे अपूर्व यानी भाग्य बनता है और उससे फल होता है। देखो जो प्रक्रिया बताई गई, तो बोले कर्म है, कर्म से फिर और कुछ नहीं होता है, कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता है, कर्म अपने आप में नहीं करता है। इन्होंने कहा ना कि तस्मिस्तु कृते स्वयमेव तद्भवति, फल तो होता है लेकिन कर्म फल को नहीं करता है, वो स्वयं नहीं करता है,
मतलब कर्म उसको नहीं उत्पन्न करता है, कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, फल उत्पन्न हो जाता है। अब वो स्वयं होता है, मतलब कर्म निरपेक्ष होता है। अब उसे भाग्य बन गया है, परमात्मा देता है, वो चीजें साथ में जुड़ेंगी अलग दृष्टि से, लेकिन यहां पर स्वयं होता है मतलब फल बस होता है, फल देखा जाता है। जैसे कि भूमि में बीज बो दिया बस, लेकिन बीज बोने से पौधा नहीं उत्पन्न होता है, यद्यपि वो कारण है लेकिन बोने मात्र से नहीं होता है, कुछ और चीजें हो। भाई बीज कैसे, फिर पौधा कैसे बनता है, फल कैसे आते हैं, बोले वो अपने आप होता है। वो जो बोना रूप ज्योतना रूप क्रिया थी, ये फल को या पौधे को थोड़ा उगा रही है, उसने तो जमीन को पोला किया, बोना है तो बस बीज को अंदर तक पहुंचाया, इतना ही तो किया उस क्रिया ने, और तो कुछ नहीं किया ना इसके बाद में उस कर्म ने। क्रिया को देखो, उस क्रिया ने क्या पौधे को उगाया है, उस क्रिया ने क्या फल को गेहूं को उत्पन्न किया है, नहीं किया ना। बस ऐसे ही यहां पर है। फिर कैसे उग गया पौधा, कैसे गेहूं आ गए, कैसे फल आ गए, अपने आप आ गए। अपने आप का क्या मतलब हुआ, कर्म निरपेक्ष है। ये जो क्रिया की थी ये उसकी उत्पत्ति में, ये उसको उत्पन्न नहीं कर रही है, बस ऐसे ही अर्थ लेंगे। हो गया। हाँ जी, अगर यूं कर्म निरपेक्ष अगर मानेंगे तो फिर तो याग करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि याग किए बिना भी प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये इस वाक्य का अर्थ नहीं है। इतना ये भी समझते हैं, याग भी कर रहे हैं, शास्त्र के वचन को भी बता रहे हैं, तो इतना तो ये भी समझ रहे हैं। इन पंक्तियों का वो अर्थ कभी नहीं लिया जा सकता जो आप जिस तरह से ले रहे हो ना, नहीं ले सकते। इसकी व्यक्तता की पृष्ठभूमि और वो सब भी तो देखेंगे, उसका क्या तात्पर्य हो सकता है। जहां संगत होगा उसकी पूर्व में कथित बातों से विरोध नहीं आ रहा होगा और फिर भी ये वाक्य घट रहा होगा, बस वो अर्थ लेना है। ठीक है, आगे देखिए। तो पृष्ठ संख्या 637 पर और बाद्री मुनि का वचन कहा था कि द्रव्य गुण संस्कारों में ही शेष शब्द होता है, यानी याग फल और पुरुष में नहीं होता है। तो याग में शेष भाव नहीं होता, उसकी उसकी चर्चा हमने पीछे देख ली थी। अब पांचवी पंक्ति के अंत से जो फल के बारे में कहा जा रहा है, तो फलम अपि न पुरुष प्रति उपदिश्यते, जो फल है वो भी पुरुष के प्रति उपदिष्ट नहीं है। अगर हम यूं देखते हैं तो क्या लगता है कि फल किसके लिए, पुरुष के लिए। याग फल के लिए और फल किसके लिए, पुरुष के लिए। तो फल पुरुष के लिए, फल पुरुष के लिए है, इसलिए फल शेष कहलाएगा, अप्रधान कहलाएगा और पुरुष प्रधान कहलाएगा। लेकिन ये यहां क्या प्रस्तुति दे रहे हैं कि ये जो फल है ये पुरुष के प्रति उपदिष्ट नहीं किया जा रहा है वाक्य से। वाक्य ये नहीं कह रहा है कि ये फल उस पुरुष को मिलेगा। कैसे, उसको आगे और समझा रहे हैं। यह स्वर्गम कामयते स यागम कुर्यात् इति एतावत् शब्देन उपदिश्यते। इस शब्द से क्या पता लग रहा है, स्वर्ग कामो यजेता, ये जो है तो यह स्वर्गम कामयते स यागम कुर्यात्, यही अर्थ बोध हो रहा है ना। यह स्वर्गम कामयते स यागम कुर्यात्, इससे ये थोड़ा पता लगा कि जो याग को कर रहा है उसी को फल मिलेगा। जिसको स्वर्ग की कामना है वो याग को करे, बस शब्द ने यही तो कहा है। देखो न आत्मनः परस्यवा इति, वहां ये थोड़ा लिखा हुआ है कि स्वयं फल प्राप्त करता है या दूसरे के लिए करता है। तो इसलिए फल उस पुरुष को करने वाले को मिले, ये कोई वहां थोड़ा कहा गया है, इस वाक्य में थोड़ा कहा गया है। तो कहा कि न आत्मनः परस्यवा इति, फलम भवति इति उच्यते, अपना या दूसरे का फल होता है ये नहीं कहा गया है, इसलिए पुरुष के प्रति फल नहीं है। और आगे कहते हैं स्वर्गम प्रति इच्छा मात्रेण स्वर्ग काम इति भवति। ये जो स्वर्ग काम शब्द है, अगर कोई ये भी कहे कि जो स्वर्ग की कामना वाला है वो यजन करे तो जो स्वर्ग की कामना वाला है इससे पता लग रहा है कि उसको फल मिलेगा, बोले स्वर्ग की कामना जो शब्द है ये तो स्वर्ग के प्रति जिसकी इच्छा है वो भी स्वर्ग काम हो जाता है, या ना करे लेकिन स्वर्ग की जिसको इच्छा है उतने से भी स्वर्ग काम हो जाता है। तो स्वर्ग काम का ये मतलब थोड़ा है कि जिसको स्वर्ग मिलता है, इसलिए स्वर्ग काम हो यजेत है, मैं जो स्वर्ग काम शब्द है उससे ये नहीं पता लगता है कि याग करने से स्वर्ग मिलता है उसको,
कामना है, कामना शब्द तो स्वर्ग काम शब्द तो बिना याग के केवल कामना से भी हो सकता है, इच्छा मात्र से। तस्मात पुरुषम प्रति गुण भावे न श्रूयते स्वर्ग, इसलिए इन वाक्यों में स्वर्ग उस पुरुष के प्रति फल के रूप में पुरुष के प्रति गुण भाव में नहीं सुना जा रहा है कि स्वर्ग गुण है और वो पुरुष प्रधान हो जाएगा। तस्मात सोपि न शेष भूता, पूर्ण विराम लगा लीजिए, इसलिए वह फल भी शेष भूत नहीं हो सकता है। तर्क है इनका आगे। और जब ये हो गया कि याग और फल शेष भूत नहीं है, तो कह रहे हैं न चेत याग फलो गुण भावे न चोद्यते, यदि हम ये मान लिया है हमने कि फल और याग गुण भाव के रूप में नहीं कहे जा रहे हैं, तो फिर कस्य पुरुषः प्रधान भूतो भवति, फिर पुरुष किसका प्रधान बनेगा? पुरुष की प्रधानता किस रूप में हो सकती है कि फल पुरुष के लिए है, याग फल के लिए है, फल याग फल पुरुष के लिए है, तो याग और फल शेष होंगे, अप्रधान होंगे और पुरुष प्रधान हो जाएगा। लेकिन जब याग और फल प्रधान नहीं है, नहीं याग और फल अप्रधान नहीं है, शेष नहीं है, तो फिर पुरुष प्रधान भी होगा तो किसका बनेगा? प्रधान तो सापेक्ष है, कोई अप्रधान होगा तो प्रधान कहलाएगा, शेष होगा तो प्रधान कहलाएगा। जब कोई शेष ही नहीं है पुरुष का, तो फिर पुरुष भी प्रधान कैसे बन पाएगा? तो कस्य पुरुष प्रधान भूतो भवति। आगे प्रत्यक्षश्च अस्य द्रव्यत्वात् कर्म प्रतिगुण भावः, और ये जो पुरुष है इसका प्रत्यक्ष रूप से द्रव्यत्वात् द्रव्यत्व होने के कारण से, पुरुष एक द्रव्य है या नहीं है? द्रव्य है ना, और द्रव्य का कर्म के प्रति गुण भाव होता है, द्रव्य का कर्म के प्रति गुण भाव होता है, पुरुष भी द्रव्य है इसलिए उसका प्रत्यक्ष गुण भाव हो रहा है। अगर पुरुष नहीं होगा तो याग कैसे होगा? पुरुष याग का करने वाला है, याग की सिद्धि के लिए पुरुष है, ऋत्विक आदि पुरुष याग के लिए हैं। तो अगर पुरुष को देखना ही हो तो इसका शेष भाव होगा कर्म के प्रति, गुण भाव होगा कर्म के प्रति, प्रधान भाव तो नहीं होगा। तस्मात द्रव्य गुण संस्कारेषु एव शेष भावम बादरीर मेने इति, इसलिए द्रव्य गुण संस्कार इनके प्रति ही बादरी शेष भाव मानते हैं, याग फल और पुरुष के प्रति शेष भाव नहीं मानते हैं। एक बात है। आगे देखिए चौथा सूत्र पक्षांतर है। कर्माणि अपि जैमिनी फलार्थत्वात्, जैमिनी मुनि मानते हैं कि कर्म भी शेष भाव को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फल के लिए होते हैं, फलार्थत्वात् फल के लिए होते हैं। भाष्य जैमिनी तो खलु आचार्य कर्माणि अपि शेष भूतानि मन्यते इसम, कर्म को भी शेष भूत मानते हैं क्योंकि वो फल के लिए हैं। न बादरी इव अवधारणाम अनुमेने, बादरी की तरह से अवधारणा को कि केवल द्रव्य गुण और संस्कार ही शेष होते हैं, ऐसी अवधारणा को अवधारण को वो नहीं मानते हैं, वो कर्म को भी मानते हैं। सही ददर्शः, उन्होंने ये देखा कि न याग कर्तव्यतया चोद्यते, क्योंकि ये जहां पर भी कर्म है वहां पर याग कर्तव्य के रूप में नहीं कहा जाता है, याग कर्तव्य के रूप में नहीं कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? वैसे तो कर्तव्य के रूप में कहा जा रहा है, यजेता करना चाहिए, करे, कर्तव्य के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? न याग कर्तव्यतया चोद्यते, कर्तव्य के रूप में नहीं कहा जा रहा है, तो कर्तव्य के साथ साथ हमें जोड़ना है अंतिम कर्तव्य के रूप में नहीं कहा जा रहा है। केवल याग करना है और याग हो गया, बस वही अंतिम कर्तव्य है और कुछ नहीं, इसलिए नहीं कहा जा रहा है। क्यों? फल कामस्य तु तत्साधना तत्साधनोपायत्वेन इति, जो फल की कामना वाला है उसके साधन उपाय के रूप में कहा जा रहा है इसको, यानी कर्तव्य के रूप में याग अंतिम नहीं रहा, याग से भी कुछ और चीज की प्राप्ति होनी है। एवं श्रुतो अर्थ परिगृहितो भविष्यति, जब हम ये अर्थ लेते हैं कि याग भी फल के लिए है, तब श्रुत अर्थ गृहित होता है, ठीक ठीक शास्त्र का अर्थ ठीक होता है। अर्थवांश्च उपदेश, और उपदेश हमेशा सार्थक होता है। एनमेव अर्थम षष्ठे अध्याय सूत्रैरेव साधयिष्यति, इसी अर्थ को इसी बात को छठे अध्याय में सूत्रों के द्वारा भी सिद्ध करेंगे, ये प्रकरण वहां पर आगे चला जाएगा। यहां तो क्या है, यह तो तत्सिद्धेन एव फलार्थत्वेन शेष भावम यागस्य आपादयति स्म, यहां पर तो उससे सिद्ध यानी छठे अध्याय में जो वहां सिद्ध करेंगे वो सिद्ध मानते हुए, यह तो तत्सिद्धेन एव
फलार्थत्व है ना, ये फल के लिए होता है, ये मान करके उसके याग के यानी कर्म के शेष भाव को, याग के शेष भाव को प्रतिपादित कर रहा कर रहे हैं करा उन्होंने। तस्मात अनवधारणा द्रव्य गुण संस्कार शेष भूता, इसलिए बादरी ने जो अवधारणा की थी कि द्रव्य गुण संस्कार ही शेष भाव होते हैं, तो वो अवधारण नहीं है, निर्धारण नहीं है, उसके अतिरिक्त भी शेष भाव को प्राप्त हो सकते हैं। यागोपी शेष भूत है फलम प्रति थी, याग फल के प्रति शेष भूत होता है। जय मिनी का मत है, ठीक है, हो गया। हाँ, जो पिछले सूत्र के भाष्य में जो अंत में जो बात आई, अंतिम से दूसरी पंक्ति, हाँ, प्रत्यक्ष अस्य द्रव्यत्वात् कर्म प्रति गुण भाव, तो इसमें पुरुष का गुण भाव बताया, परंतु उसके जो अंतिम पंक्ति बाद में कही, तस्मात् द्रव्य गुण संस्कारेषु एव शेष भावम बादरी ही मैंने, तो यहाँ तो तीन को ही गिनाया, फिर पुरुष को क्यों छोड़ दिए, ये समझ में आया। पुरुष को भी छोड़ा है ना, इसीलिए छोड़ा है क्योंकि पुरुष द्रव्य है और द्रव्य होते हुए वो याग में साधन के रूप में काम करता है, उसका शेष भाव है, यही तो दिया है इन्होंने। अभी ये विषय और आगे चल रहा है, और पक्ष भी आएंगे, अभी अंतिम नहीं हुआ है, पक्ष रखा गया है बस, आगे और देखिए, ये अंतिम नहीं हो गया है। पांचवा सूत्र देखिए, पक्षांतर है, फलम च पुरुषार्थत्वात्, ये फल को भी शेष मानते हैं, क्यों, वो पुरुष के लिए होता है। भाष्य, फलम अपि पुरुषम प्रति उपदिश्यते, फल हमेशा पुरुष के लिए ही कहा जाता है, पुरुष के प्रति, क्या क्या फल पुरुष के प्रति कहा जाता है, तो यह स्वर्गो में भवेत इत्येवम कामयते तस्य यागः, किसके लिए याग की बात है, स्वर्गो में भवेत, मेरे को स्वर्ग हो जाए ऐसा जो कामना करता है उसके लिए याग है। यहां पर स्वर्गो में भवेद इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, यह को अलग रखना है, यह जो व्यक्ति स्वर्गो में भवेद इति एवं कामयते, यह कामयते जो कामना करता है, क्या कामना करता है, स्वर्गो में भवेद इति, तस्य याग, उसके लिए याग है, उसका याग है, न कि न यह स्वर्ग स आत्मानम लभेत इति, ना कि यह स्वर्ग जो स्वर्ग है सह आत्मानम लभेत, वो आत्मा को प्राप्त कर ले, इसके लिए याग नहीं है। आत्मा को यानी हमें स्वर्ग मिले इसलिए याग है, या स्वर्ग को हम मिल जाएं इसलिए याग है, कि स्वर्ग खाली पड़ा है और स्वर्ग में आत्मा है या हम पहुंच जाए इसलिए याग है, तो स्वर्ग के लिए हम नहीं हैं, स्वर्ग के, यदि याग से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो दो बातें हो सकती हैं, हमारे लिए स्वर्ग मिला है हमें याग के द्वारा, अथवा स्वर्ग के लिए हम मिले हैं, यानी स्वर्ग को हम मिल गए हैं याग के माध्यम से, स्वर्ग को प्राप्ति हो गई है, तो इसलिए कहा ना यह स्वर्ग स आत्मानम लभेत इति, ये जो स्वर्ग है वो आत्मा को प्राप्त कर ले इसके लिए याग नहीं है। बात आ गई समझ में, नीचे अर्थ देखिए हिंदी वाला, दूसरी पंक्ति व्याख्या की दूसरी पंक्ति देखिए अंत में, जो स्वर्ग है वह मुझको प्राप्त होवे ऐसा अभिप्राय नहीं है, जो स्वर्ग है वह मुझको प्राप्त होवे ऐसा अभिप्राय नहीं है, तो कैसा है, उसकी पहली पंक्ति देखिए, मुझे स्वर्ग प्राप्त होवे ऐसी जो कामना करता है उसके प्रति याग का विधान है, मुझे स्वर्ग प्राप्त होवे ये है, और दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, जो स्वर्ग है वह मुझको प्राप्त होवे ऐसा अभिप्राय नहीं है, एक ही बात हो गई है, ये इसको ठीक कर लीजिए, अर्थ तो आपको समझ में आ गया है ना, तो यहां क्या करना है, जो स्वर्ग है वह आत्मानम, यानी आत्मा मुझ की जगह पर आत्मा या पुरुष शब्द ले लीजिए, को प्राप्त होवे की जगह करे कर लीजिए, प्राप्त करे, लभ्यता का मतलब वो आप सीधे सीधे अर्थ कर दिया ना शाब्दिक अर्थ, तो वो अर्थ भाव बदल गया है यहां पर, ऐसा अभिप्राय नहीं, जो स्वर्ग है वह आत्मा को या पुरुष को प्राप्त करे ऐसा नहीं है अर्थ, कुतः है, क्यों, आत्मनेपद प्रयोग है, क्योंकि वहां आत्मनेपद का प्रयोग है, कर्तृभिप्राय एतद् भवति, और आत्मनेपद का प्रयोग कर्तृभिप्राय क्रियाफल में होता है, क्रियाफलम अनुभवेत कथम पुरुष है इति याग प्रयुज्यते, ये जो पुरुष है ये क्रिया के फल को कैसे अनुभव करे इसलिए याग का प्रयोग किया जा रहा है, यानी पुरुष को करने वाले को ही उसका फल मिलेगा, कर्तृभिप्राय
क्रियाफल है। तस्मात फलम पुरुषार्थम यागा श्रूयते, इसलिए फल पुरुष के प्रयोजन के लिए याग से सुना जाता है। न आत्मनिर्वृत्त्यर्थम, अपने को संपन्न करने के लिए नहीं, आत्मनिर्वृत्ति मतलब याग की संपन्नता के लिए नहीं है। याग का विधान केवल याग के संपन्न होने के लिए नहीं है, यहां आत्मनिर्वृत्त्यम मतलब नहीं, इसको यूं समझो। तस्मात फलम पुरुषार्थ यागाच्रुयते, इसलिए फल जो है वो पुरुष के लिए याग से सुना जाता है, याग से पुरुष के लिए फल को सुना जाता है। न आत्मनिर्वृत्त्यर्थम, फल उत्पन्न हो जाए अपने लिए, अपने को प्रकट कर सके बस, इसके लिए याग नहीं है। फल आ जाए केवल इसके लिए नहीं है याग। पानी दिया फल आया तो फल वो पुरुष के लिए है, ना कि पानी दिया और बस फल लग गए हैं इसीलिए फल है, फल लग गए बस फल लग गए खत्म हो गई बात, इसके लिए नहीं है, आत्मा के लिए ये फल है। तो आत्मनिर्वृत्त्यर्थम मतलब है ना आत्मनिर्वृत्ति, कहा कि फल की निर्वृत्ति फल को उत्पन्न करने मात्र के लिए नहीं है कि स्वर्ग बस बन जाएगा। तस्मा शेष भूतम इति, इसलिए ये फल भी शेष भूत है, पुरुष के लिए है, स्वीकार्य पक्ष है, इसमें आपत्ति नहीं है। आगे अपक्षांतर है छठा, पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्, पुरुष भी शेषभूत हो सकता है, सदा नहीं, किसी स्थिति में, क्यों, कर्मार्थत्वात्, जब ये पुरुष कर्म के लिए होता है तब शेषभूत होगा। पीछे जो पूर्व पक्षी ने कहा, पूर्व पक्षी क्या बादरी का जो मत अभिप्राय किया था कि पुरुष कर्म के लिए है इसलिए वो शेषभूत है, पुरुष द्रव्य है और वो कर्म के लिए है, द्रव्य कर्म के लिए है, इस रूप में जो शेषभूत कहा था, बोले वो होगा कब, जब पुरुष कर्म के लिए होगा तब ऐसा होगा, तब वो भी शेषभूत होगा। वैसे देखिए, पुरुषो अपि औदुम्बरी सम्मानादिशु गुणभूता श्रूयते, औदुम्बरी के सम्मान, उदुम्बरी जो होती है सामगान आदि करते हैं वहां पर, उदुम्बर वृक्ष की जो एक काष्ठ दिया जाता है उसका एक गुण बताया जाता है, वो पुरुष के समान होती है उसकी ऊंचाई। तो अब पुरुष का माप लिया और पुरुष के माप के अनुसार उसको बनाया, तो जो पुरुष है जिसका माप लिया गया वो यजमान के अनुसार होती है, तो वो उस औदुम्बरी के लिए हुआ ना, औदुम्बरी वो काष्ठ कितना लंबा हो उसके लिए ये पुरुष हुआ ना। अब ये पुरुष यहां पर शेष के रूप में है, जैसे कि हम किसी चीज को कपड़े आदि को बनाते हैं तो नापने के लिए फीता या जो भी गज रखते हैं वो किसके लिए होता है, नापना, कपड़े के लिए होता है, उसी अनुसार नाप नाप के कपड़े बनते हैं। तो यहां पुरुष के द्वारा, पुरुष भी एक नापने का तरीका हो गया उस उदुम्बरी के लिए, तो नापने की तरह से हुआ तो ये उसका शेष बनेगा ही। तो पुरुषस्य कर्मार्थत्वात् पुरुषोपि औदुम्बरी सम्मानादिषु गुणभूता श्रूयते, तस्मात् अनवधारणा एषा, इसलिए ये जो अवधारणा है ये ठीक नहीं है, अनवधारणा है, अवधारणा नहीं है। कौन सी, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, द्रव्य गुण संस्कारेषु एव शेषत्वं बादरिर्मेने इति, बादरी जो मानते हैं कि द्रव्य गुण संस्कार में ही शेषत्व है, ये ठीक नहीं है, अन्यों में भी है, पुरुष में भी है, फल में भी बता दिया, ठीक है, और कर्म में तो होता ही है। आगे देखिए, अथे इदानीम अत्र भगवान वृत्तिकार परिनिश्चिकाय, अब भगवान वृत्तिकार यानी उपवर्ष ये निश्चय करके बता रहे हैं, अभी के दृष्टि से हमारे को बादरी का मत खंडित लग रहा है ना, बादरी का मत खंडित हो गया ना, उसमें द्रव्य गुण और संस्कार को ही माना, फल को पुरुष के लिए नहीं माना, याग को फल के लिए नहीं माना, ये जो वहां पर हो रहा है तो गलत लग रहा है ना अभी, तो ये उपवर्ष वृत्तिकार इसका समाधान कर रहे हैं, देखो बादरी का मत भी ठीक लगेगा, कैसे, तो द्रव्य गुण संस्कारेषु एव नियतो यजिम प्रति शेष भाव, यजन के प्रति जो शेष भाव है वो द्रव्य गुण संस्कारों का ही है, यजन के प्रति, यजन के प्रति जो शेष भाव है वो द्रव्य गुण संस्कारों का ही है, और पुरुष भी द्रव्य में आ जाएगा जो कर्म के लिए होगा, यजन के लिए होगा जो पुरुष वो भी द्रव्य में आ जाएगा और उसका भी शेष भाव बन जाएगा। अपेक्षिका इतरेषाम, अन्यों का जो शेष भाव है वो अपेक्षिक है, अन्यों की अपेक्षा से है, याग की अपेक्षा से नहीं है, फल का शेष भाव याग की अपेक्षा से नहीं है, भोक्ता जो पुरुष है उसका शेष भाव याग की प्रति, याग की दृष्टि से नहीं है, और याग का स्वयं के प्रति शेष भाव नहीं है, इसलिए याग फल और पुरुष
इनका याग के प्रति शेष भाव नहीं है, ये उनका कहना है। यागस्य द्रव्यम प्रति प्रधान भाव है, याग का तो द्रव्य के प्रति प्रधान भाव होता है, उल्टा करके कर रहे हैं, यानी द्रव्य शेष होता है तो याग प्रधान हो गया। फलम प्रति गुण भाव, याग का वो जो तीन चीजें थी याग फल और पुरुष, अब उन तीनों को बता रहे हैं कि इनका जो गुण भाव है ये सापेक्षिक है। कैसे? तो याग का द्रव्य के प्रति तो प्रधान भाव है लेकिन फल के प्रति गुण भाव है, फलम प्रति गुण भाव है, और फल से यागम प्रति प्राधान्यम पुरुषम प्रति गुणता, फल की याग का याग के प्रति प्रधानता है क्योंकि याग फल के लिए है, और पुरुष के प्रति फल की गुणता है क्योंकि फल पुरुष के लिए है। पुरुष से फलम प्रति प्रधानता, और पुरुष की फल के प्रति प्रधानता है, पुरुष की फल के प्रति प्रधानता है, लेकिन औदम्बरी सम्मान आदि प्रति गुणोत्तम, लेकिन औदम्बरी का सम्मान जहां पर हो रहा है मापन कर रहे हैं तो उसी यजमान की कर्ता की याग के कर्ता का वहां पर शेष भाव भी है। तस्मात सम्मता अवधारणा, ये जो अवधारणा थी बादरी की वो सम्मत है, उचित है। क्या? द्रव्य गुण संस्कारा यागम प्रति नियोग तो गुण भाव आए वे थी, द्रव्य गुण कर्म नहीं द्रव्य गुण संस्कार याग के प्रति नियत था नियोगता है, निश्चय से ही गुणभूत को प्राप्त होते हैं। तो ये जो बादरी ने कहा था वो याग को ध्यान में रखते हुए कहा था, ये खुले में नहीं था कि कौन शेष भाव को प्राप्त है या नहीं है, ये तो याग भी शेष भाव को प्राप्त है, ये तो फल भी शेष भाव को प्राप्त है, लेकिन याग के प्रति इन तीन का शेष भाव है, इस दृष्टि से बादरी का मत भी ठीक है। हो गया, बोलो जी। यहाँ छठे सूत्र के भाष्य में जो औदम्बरी को जो यहाँ जो लिया है, तो जो पुरुष है वो औदम्बरी के लिए है, इस कारण से जो पुरुष है वो शेष है। हाँ, तो वहां पर जब प्रारंभ में जो परिभाषा दी थी सूत्रकार ने कि शेष किसके कारण से परार्थत्वा, तो वहां पर आत्यंतिक लिया था, तो वहां पर आत्यंतिक लिया हाँ? था, तो ये तो बहुत एक जितने भी अंश में है, जितने भी अंश में है उतने अंश में सापेक्षिक कहा ना इन्होंने, इसीलिए कि ये जो गुण भाव है ये अपेक्षिकम इतरेशम, अपेक्षिक है, अपेक्षा से नियत नहीं है, लेकिन शेष भाव कहा जा सकता है, शेष भाव कहा जा सकता है उसका, और पूरी तरह से आत्यंतिक नहीं है, इसलिए बादरी ने पुरुष को शेष के रूप में नहीं लिया, शेष के लिए नहीं लिया। द्रव्य गुण और संस्कारों को ही तो लिया है उसने, पुरुष को नहीं लिया, ठीक है, लेकिन एक दृष्टि से देखेंगे तो शेष भाव बनेगा, उस कर्म के प्रति देखेंगे, केवल उसी कर्म के प्रति देखिए, केवल उसी कर्म के प्रति देखिए, औदम्बरी के प्रति। अब ठीक है, औदम्बरी का सम्मान इसके बराबर होगा, फिर औदम्बरी का याग के प्रति होगा, और वो याग का फल फिर इसी पुरुष को यजमान को प्राप्त होगा, उस दृष्टि से तो वहां फिर हो जाएगा, लेकिन एक इस वैसे ही देखा। अभी जो वृत्तिकार का मत दिखाए कि वो बादरी का मत खंडित नहीं कर रहे, किंतु जो अब तक जो भाष्यकार था वो तो उसके अनुसार तो देखते ऐसा लगता है कि जैसे जयमिनी जी बादरी का खंडन कर रहे हो। ठीक है, उसके पास अतिरिक्त चीज जोड़ रहे हैं, वो अपने ढंग से समझ के बोल रहे हैं। बोलो। ओम आचार्य जी, 639 पृष्ठ में जो पांचवा सूत्र भाष्य की दूसरी पंक्ति में जो वाक्य आया है, नयः स्वर्गम स आत्मानम लभेत, तो इसका जो नीचे अर्थ आया था कि सबसे अंतिम पंक्ति में नात्म निवृत्त्यर्थम, यहाँ पर आपने जैसे अर्थ किया, अगर यहाँ भी ऐसे किया जाए कि स्वर्ग अपने को प्राप्त करे इसके लिए याग नहीं है, अभी तो पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करे इसके लिए याग है, ऐसा अर्थ है। ऐसा भी कर सकते हैं। न यह स्वर्ग स आत्मानम लभेत, वो अपने आप को प्राप्त हो गए, कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, स्वर्गों में भवेदिति दो हैं, एक तो स्वर्ग है और एक मैं हूं, तो मैं स्वर्गों को प्राप्त करूं इसके लिए, स्वर्ग मुझे प्राप्त कर ले इसलिए नहीं, या स्वर्ग स्वर्ग के लिए हो जाए ले सकते हैं, वह तो जो नीचे कहा गया ना आत्मनिर्वृत्त्यर्थम, ये जो बात कही है ना आप जो कह रहे हो ऊपर वाले से, वो ये वाली बात भी है ना आत्मनिर्वृत्त्यर्थम कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 642 पृष्ठ चौथा अधिकरण है,
निर्वपणादीनाम अर्थानुसारेण व्यवस्थित विषयताधिकरण। निर्वपण यानी निर्वाप आदि कुछ कर्म हैं जो यहाँ पर बताएंगे, जो धर्म हैं, इनका अर्थ के अनुसार, कर्म के अनुसार, वस्तु के अनुसार व्यवस्थित विषयता, ये धर्म इसी पे लगेगा, ये धर्म यहीं लागू होगा, ये व्यवस्थित विषयता का अधिकरण है। एक प्रसंग में कुछ धर्म कहे गए और वो धर्म सब पे लागू हो जाएं, सब जगह पे लागू हो जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो धर्म जहाँ जो संगत लगता है वहीं पर ही लगाना चाहिए। ये सिद्धांति का पक्ष है जो आगे भाष्य में स्पष्ट होगा। तो विषय को उठा रहे हैं, स्तो दर्शपूर्ण मास हो, दर्शपूर्ण मास हैं दो। दर्शपूर्ण मास अभ्यम स्वर्ग कामो यजेता इति, ये वचन मिल रहा है, इससे पता लगता है कि दर्शपूर्ण मास हैं। तत्र श्रूयन्ते धर्मा, उस प्रसंग में बहुत सारे धर्म कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। कौन कौन से? निर्वपणम, प्रोक्षणम, अवहननम इत्येवम आदय औषध धर्म, औषधि के धर्म। औषध मतलब हो गया जो औषध है, फल पाकांते, फल के पकने पर जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे व्रीही है, या जो भी लेना चाहे वहां पर पुरोडाशी, पुरोडाश के लिए जो चीज आवश्यक होती है वो औषधि हो गया। उसके धर्म क्या है? एक तो निर्वपणम है, उसका निर्वाप करते हैं, मुट्ठी में चार, एक मुट्ठी लेके रखा, दो लेखा, तीन लेखा, ये जो चार लिया मुट्ठी के रूप में, ये निर्वपणम है। प्रोक्षण, उसका प्रोक्षण करते हैं तृण आदि से, जल से, और अवहनन, उसको कूटते हैं, इत्यादि जो धर्म है ये औषधि के धर्म है। आगे, तथा उत्प्रवन, उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आसादनादय आज्य धर्म, या द जोड़ लेना, आसादनाय, आसादनादय ऐसा है, आसादनादय ये आज्य के धर्म है, घृत के धर्म है। तो इसमें है उत्पवन, उत्पवन यानी जो उस पात्र के अंदर घी रखा हुआ है उसके ऊपर उत्तीर्ण रहते हैं, उससे उनको थोड़ा उछाला जाता है, वहां रखा जाता है तैरने जैसा ऊपर। विलापन मतलब घी को पिघलाना, ग्रहण यानी लेना, और आसादन मतलब उसको स्थान पे रखना, वेदी में रखना। ये जो धर्म है ये घृत के धर्म है, आच्य के धर्म है। आगे कहते हैं, तथा शाखाहरणम, शाखा का तोड़ के लाना, वूलर की शाखा को तोड़ना लेना, आगे गवाम प्रस्थापनम, गाय को जंगल के लिए छोड़ देना, यानी प्रस्थान करवा देना, उसको दोहन आदि करके फिर उसको छोड़ देते हैं, ये प्रस्थापन हुआ। और गवाम प्रश्नावनम, गाय को पोसाना, दूध निकालने के लिए अनुकूल बनाना, इत्यवम आदय ओपि सान्नाय्य से, ये सान्नाय्य के धर्म कहे गए। तो इन अलग अलग चीजों के लिए कहे गए धर्मों में संदेह है, तेषु संदेह, किम सर्वे औषधे आज्य सान्नाय्य च कर्तव्य, ये औषधि में, आज्य में और सान्नाय्य में करने चाहिए, ये अलग अलग इन इन में करने चाहिए। उत ये यत्र क्रियमाणा, नहीं, ये सबके सब सब में करने चाहिए, यानी जितने भी धर्म हैं वो औषधि में भी, आज्य में भी और सान्नाय्य में भी, सब में करने चाहिए, ये पहला पक्ष हुआ। उत ये यत्र क्रियमाणा अर्थवंतः ते तत्र कर्तव्य, अथवा ये किए जाते हुए जहां पर सार्थक होते हैं वहीं पर ही करने चाहिए, सब सारे सब जगह नहीं करने चाहिए। इस पर सिद्धांत कह रहे हैं, ननु संयुक्ता वर्तन्ते, ननु संयुक्ता एव एते श्रूयन्ते, बोले ये जो कर्म है ये किसी के साथ में जुड़ करके ही कहे गए हैं, जुड़ करके कहे गए हैं, तो उससे भ्रांति नहीं होती कि कौन सा कर्म किससे करना है। कैसे? यथा विहीन अवहंती तंडुलान पिनष्टि, व्रीहियों को कूटता है, तंडुलों को पीसता है, तो ये कूटना और पीसना किसे? व्रीही और तंडुल के साथ जुड़े हुए हैं, तो जहां जुड़े हुए हैं वहीं पर ही कर देने चाहिए। जो धर्म जिसके साथ, द्रव्य के साथ जोड़ करके कहा गया है वहीं पर कर लेना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, बाढ़ संयुक्ता, बोले ठीक है ये तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अवघात आदयस्तु पदार्थ विधीयन्ते श्रुत्या, ये जो अवघात आदि पदार्थ हैं ये कैसे कहे जा रहे हैं? श्रुति से कहे जा रहे हैं। अवहंती ये श्रुति से कहा गया, पिनष्टि ये श्रुति से कहा गया, लेकिन अवहंती का व्रीही से जो संयोग हुआ है, व्रीहीन अवहंती, ये किससे हुआ है? वाक्य से हुआ है। तो वाक्य न एशाम व्रीही आदि संयोग, वाक्य से इसका व्रीही से संयोग हुआ है। तंडुलान पिनष्टि, पिनष्टि क्रिया का संयोग तंडुल से हुआ है, किसके, किससे? वाक्य से। और श्रुति और वाक्य में से कौन बलवती होती है? श्रुति बलवती होती है, इसलिए पिनष्टि और अवहंती बस ये ही प्राप्त हो रहे हैं। और किसके साथ लगेंगे ये? किसी के भी साथ लग सकते हैं। वाक्य तो ये क्या
यही क्या विचित्र तर्क है इसका पूर्व पक्षी का, वाक्य तो ये कह रहा है अवहंति व्रीही से जुड़ेगा, व्रीही से जुड़ेगा और कहीं नहीं जाएगा। ये कह रहा है कि नहीं, ये अर्थ तो आप वाक्य से निकाल रहे हो। अवहंती श्रुति कह रही है, अवहंती कूटता है, किसको कूटता है ये थोड़ा कह रही है श्रुति, श्रुति ने तो सबको खोल रखा है, अवहंती बस कूटता है, श्रुति तो ये कह रही है। और विहीन जो आप ला रहे हो ये वाक्य से अर्थ ला रहे हो, तो श्रुति का अर्थ बलवान होता है वाक्य से, इसलिए अवहंती सबके लिए होगी, केवल व्रीही से ही नहीं जुड़ेगी, व्रीही से संयुक्त नहीं है वो, तो किसी से भी जुड़ सकती। ठीक है, उपदेश के बीच का प्ररोह विकृत हुआ ना, विकृत ढंग से ले लिया ना इसने अर्थ को। अतो अस्थि संचय किम तावत प्राप्तम, तो यह संदेह है और इसमें कैसे होना चाहिए, जबकि इसका उत्तर सीधा सा है, वही श्रुति तो कह रही है, लेकिन उस श्रुति के साथ में वाक्य भी तो आ रहा है, वो वाक्य श्रुति के अर्थ को खंडित थोड़ा ना कर रहा है। ये जो व्रीहीन अवहंती, व्रीहीन है ये विशेषण है अवहंती का, अवहंती का विशेषण है, तो व्रीही को ही करेगा, व्रीही लाया ही इसलिए गया है क्योंकि अवहंती मात्र के कहने से तो किसी का भी अवहनन प्राप्त हो रहा था, किसी का भी कूटना प्राप्त हो रहा था, उसको रोकने के लिए तो विशेषण दिया, अन्यों का व्यावर्तक हो जाएगा विशेषण, यही अर्थ निकल करके आ रहा है, लेकिन उसने देखो किस ढंग से प्रस्तुत किया है। आगे सातवां सूत्र सिद्धांति का है, तेषाम अर्थे न संबंध, ये कह रहा है ये जो धर्म कहे गए इनका अर्थ के साथ प्रयोजन के साथ में संबंध है। तेषाम अर्थे न संबंध, अर्थेन को स्वयं खोल रहे हैं, अर्थेन प्रयोजन है ना, अर्थेन का मतलब यहां पर प्रयोजन, ते यत्र क्रियमाना प्रयोजन मंतव, वो कर्म जहां किए जाते हुए सार्थक लग रहे हैं, अर्थ हो रहा है वहां पर, प्रयोजन निकल रहा है, ते तत्र कर्तव्य, उनको वहीं करना चाहिए। जैसे प्रथनादय आज्य सान्य यो अनुपकार का इति न तत्र करणीय, प्रथन जो कर्म है, प्रथन आदि जो कर्म है, प्रथन का मतलब है फैलाना, पृथ्वी विस्तार होता है ना, तो पुरोडाश का जो गोला बनाया, गोला बना करके उसको यूं जो दबाते हैं ये प्रथन है, या जो हम बेलते हैं रोटी को ये भी उसका प्रथन करते हैं, विस्तार करते हैं, फैला देते हैं उसको, लेकिन यहां तो गोला बनाया और उसको लेकर के उसको थोड़ा सा यूं दबाते हैं, ये भी एक धर्म है, प्रथन धर्म है। अब वो प्रथन धर्म औषधि में ही लगेगा, यानी पुरोडाश में ही लगेगा, औषधि से जो पुरोडाश बन रहा है उसी में घटेगा। अब ये आज्य और सन्नय्य में कैसे घटेगा, घी पिघला हुआ है उसको यूं दबा करके क्या फैलाओगे आप, यूं दबा करके, और सन्नाइये जो है घृत दूध और दही उसको यूं दबा करके क्या फैलाओगे, वहां घटता ही नहीं है, ये आप दबा के छोड़ोगे तो वापस वहीं आ जाएगा, इसलिए ये केवल पुरोडाश में ही सार्थक प्रयोजन वाला होता है, इसलिए वहीं होगा। इति तत्र न करनी है, यहाँ आज्य और सन्नाइये में नहीं करना चाहिए। एवं उत्पवनादय औषध सन्नाइये यो हो, उत्पवन जो धर्म है ये औषध और सन्नाइये में सार्थक नहीं होगा, ये घृत में ही होगा। शाकाहरणादय आज्य औषधयो, शाकाहरण जो किया जाता है ये आज्य और औषधि में नहीं लगेगा, ये शाकाहरण में ही लगेगा। पूर्व पक्षी कहता है ननु श्रूयन्ते सर्वे सर्वत्र, ये तो सब जगह सुने जाते हैं, तो सिद्धांती कह रहा है एतदेव न जानी मैं श्रूयन्ते न श्रूयन्ते इति, अभी यही नहीं निश्चय है कि सुने जाते हैं नहीं सुने जाते हैं, आप कह रहे हो कि सबके लिए सुने जाते हैं, ये सबके लिए लगे हैं, भाई ये तो पहले बताओ कि सबके लिए हैं कैसे सिद्ध होगा, इन तो ये नहीं जानते हैं, जानते हुए भी वो कह रहा है कि भाई अभी तो ये जानते नहीं है, मतलब ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तद विचार ही तब हम पहले इस पे विचार करते हैं कि सबके लिए लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो ये जो कथन है ना एतदेव न जानी मैं, इसको युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है ये प्रौढ़ी मात्र है, प्रौढ़ी मात्र है केवल, कथन मात्र है, वैसे ही बढ़ा के अंतिम पंक्ति देखिए इसकी, यद्यपि श्रूयेरंस तथापि अनुपकारकत्वात् नैव कर्तव्या भवेयु, अगर सुने भी जाते हैं, पहली बात तो सुने नहीं जा रहे हैं अभी निश्चय करना है, लेकिन अगर सुने भी जाते हों और वहाँ वो अनुपकारक होने से वहाँ पर नहीं करने योग्य होते हैं, उससे वहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लाभ ही नहीं हो रहा है, तो वो नहीं करने चाहिए। उच्चते, इसके ऊपर अब पूर्व पक्षी बोलता है। आठवां सूत्र विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात् अल्पविराम, संयोग तो अविशेषात् अल्पविराम प्रकरण अविशेषाच्च, बोले ये विहित हैं तो ये सबके धर्म होने चाहिए, विहितस्तु सर्वधर्मः स्यात् सबके ही धर्म होने चाहिए, क्यों, संयोग तो अविशेषात्, संयोग की दृष्टि से ये सब अविशेष हैं,
संयोग की दृष्टि से ये सब समान है। सिद्धांति ने पहले कहा था ना ये संयुक्त हैं, व्रीहीन अवहंती तंडुलान पिनस्ती, ये जो संयोग था, बोले नहीं संयोग की दृष्टि से ये अविशेष है। कैसे हैं वो वहां पर आगे बताएंगे, यानी अपूर्व की दृष्टि से, अपूर्व की दृष्टि से ये सब समान है, यानी अपूर्व का इनसे संयोग अविशेष रूप से होता है, इस दृष्टि से उसने ले लिया। प्रकरण अविशेषाच, और एक अलग हेतु दिया पूर्व पक्षी ने कि प्रकरण भी अविशेष है, एक ही प्रकरण है इसलिए वो सब में सब लग जाने चाहिए। भाष्य इसी को खोल रहा है, यो अर्थात प्राप्त है स्यात् स यत्र प्रयोजनम तत्रैव क्रियेत, जो प्रयोजन के वशात प्राप्त होता है वह वहीं करना चाहिए। स यत्र प्रयोजनम, जहां प्रयोजन है वहीं करना चाहिए। शब्दे न तो, ये तो ठीक है, मतलब वैसे जो जो चीज अर्थतः प्राप्त हो रही है, स्वभावतः प्राप्त हो रही है, वो तो वहीं करनी चाहिए जहां प्रयोजन है। लेकिन ये जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, ये अर्थतः स्वभावतः थोड़ा प्राप्त हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? शब्दे न तो सर्वे अमि पदार्थाविहिता, ये तो शब्द से प्राप्त हो रहे हैं, शास्त्र से प्राप्त हो रहे हैं। सिद्धांती ने यह कहा था कि शास्त्र से जो बातें धर्म प्राप्त हो रहे हैं वो जहां संगतों वहीं लगाने चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो जहां प्रयोजन वाला है वो वहां कब लगाना चाहिए? जब वो प्रयोजनवशात प्राप्त हो रहे हो, अर्थता प्राप्त हो रहे हो, लौकिक रूप से जहां जो संगत है वहां करना चाहिए। लेकिन ये तो अर्थता प्राप्ति ही नहीं है, ये तो शब्द से प्राप्त हो रहे हैं, शास्त्र ने कहा है, तो शास्त्र ने कहा है तो वो वहां संगत हो या नहीं हो हमारे को करना है बस। तो शब्दे न तो सर्वे अमी पदार्था भी था तेना न यत्र केवलम प्रयोजनम प्रत्यक्षम दृश्यते तत्रैव कर्तव्य, इसलिए जहां इनका प्रत्यक्ष प्रयोजन दिखाई दे रहा हो वहीं करने चाहिए, ऐसी बात नहीं है ना इनका प्रत्यक्ष प्रयोजन नहीं दिखाई दे रहा हो वहां भी ये करने चाहिए, क्योंकि शास्त्र से प्राप्त हो रहे हैं। तेना न यत्र केवलम प्रयोजनम प्रत्यक्षम दृश्यते तत्रैव कर्तव्य, कोतर ही फिर कहां करने चाहिए? यत्र यत्र विहिता, जहां जहां शास्त्र से विहित है वहां वहां सब जगह करने चाहिए, प्रयोजन दिखे या ना दिखे। तेचामी सर्वत्र विहिता गम्यन्ते, और ये सारे के सारे सभी जगह विहित हैं, सभी धर्म सभी सभी जगह विहित हो रहे हैं। कुतः, कैसे? तो उसके लिए हेतु है संयोग तो अविशेषात प्रकरणा विशेषाच, ये दो हेतु दिए हैं, जो सूत्र का अंश है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आगे खोल रहे हैं। सर्वेशाम तावत आज्य औषध सान्नायानाम अपूर्वेण साध्य साधन संयोग अविशिष्ट, ये सबका सबका किन का? आज्य औषध और सान्नाय, इन तीनों का अपूर्व के साथ में, अपूर्व जो होता है फल के रूप में जो लेते हैं हम, अपूर्व अदृष्ट के रूप में लेते हैं, वो उस अपूर्व के साथ साध्य साधन संयोग अविशिष्ट है। अपूर्व तो है साध्य, और ये सब है साधन, औषध आज्य सान्नाय, ये तीनों के तीनों अपूर्व के साधन है, और अपूर्व इनका साध्य है। तो इस दृष्टि से साध्य साधन दृष्टि से, या यूं कहो साध्य के साथ इन साधनों का जो संयोग है वो एक जैसा है, अविशेष है, इसलिए सारे सब जगह होने चाहिए। यत्र क्रियमाणा अपूर्वस्य कृता भवंती इति विज्ञायते, इससे ये जाना जाता है कि ये जहां पर किए जाते हुए अपूर्व को करने वाले होते हैं वहां पर ये करने चाहिए, और अपूर्व तो हो ही रहा है इनसे, इसलिए सब जगह करने चाहिए। तथा प्रकरणम अविशिष्टम, और प्रकरण भी भिन्न नहीं है, वही है। यस्मिन विहिता सर्वेशाम विहिता भवन्ति इति गम्यते, कि जिसमें ये विहित किए हुए जिस प्रकरण में कहे गए सबके लिए विहित हैं, ऐसा वहां पर जाना जाता है। अतः सर्वे सर्वत्र कर्तव्य, सभी धर्म सब जगह करने चाहिए। यत्तु अमी न सर्वत्र उपकुर्वन्ति विधान सामर्थ्यात् सर्वत्र उपकारका इति गम्यते, और जो ये न सर्वत्र उपकुर्वन्ति, सब जगह उपकार नहीं करते हैं विधान के सामर्थ्य से, जो सब जगह उपकार नहीं करते हैं, ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी थी, यत्तु जो ये कहा था अमीना सर्वत्र उपकुर्वंती, अमीना सर्वत्र उपकुर्वंती, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये सब जगह उपकार नहीं करते हैं, ये जो कहा था वो विधान के सामर्थ्य से, पाठ के सामर्थ्य से सर्वत्र उपकार का इति गम्य थे, ये सब जगह उपकारक है जाना जाता है। स च अयम अदृष्ट उपकारो भवति, यहां पर अदृष्ट का उपकार होता है। अब इस पे सिद्धांती कह रहा है अर्थलोपात अकर्मस्यात्, यदि ऐसा मानोगे तो अर्थ का लोप हो जाएगा, प्रयोजन का लोप हो जाएगा, और ऐसे में ये
अकर्म हो जाएगा, ये कर्म नहीं कहलाएंगे। भाष्य नई तत् सर्वे सर्वत्र करनी आए थी, सब जगह करने योग्य नहीं है। ये यत्र न उपकुर्वन्ति न ते तत्र क्रियाम अर्हन्ति इति उक्तमेव, जो जहां पर उपकार नहीं करते हैं वो वहां क्रिया के योग्य नहीं है, ये समझना चाहिए। अब पूर्व पक्षी कह रहा है ननु विधान सामर्थ्यात सर्वे सर्वत्र उपकरिष्यन्ति, पीछे जो कहा था विधान सामर्थ्यात हेतु दिया था उसी को पूर्व पक्षी ने फिर कहा है। सिद्धांत ही कह रहा है न इति ब्रूमः, हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, तो उसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है दसवें सूत्र में। फलम तो सह चेष्टया, चेष्टा यानी कर्म के साथ में वहां पर फल दिखाई दे रहा है हमारे को। और शब्दार्थो अभावात विप्रयोगे स्यात्, विप्रयोगे अभावात शब्दार्थो स्यात्, विप्रयोगे विपरीत जो यहां पर भिन्न अर्थ है उसका अभाव होने से जो दुष्टोपकारकता नहीं हो रही है वो उसके कारण से कि न होने पर अभावात इसको यानी दृष्ट फल का अभाव होने से शब्दार्थो स्यात्, ये केवल शब्द मात्र हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, सार्थक नहीं हो पाएगा। भाष्य देखिए नास्ति विधानम ये न सर्वे सर्वत्र उपकुर्वन्ति, बोले इस विषय में कोई विधान नहीं है, ये सारे धर्म सब जगह सब कर्मों का उपकार करते हैं, ये कोई शब्द नहीं है इसमें। न च प्रत्यक्षादि भी उपकारम अवगच्छामः, और इन सबका प्रत्यक्ष आदि के द्वारा भी उपकार हम नहीं जान रहे हैं, यानी दिखाई भी नहीं दे रहा है, शास्त्र भी नहीं कह रहा है कि ये सबके उपकारक हैं सबके धर्म हैं, और प्रत्यक्ष भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थापत्ति ही अपि नियोगतस्तत्रैव भवेत्, अब पूर्व पक्षी ने क्या अर्थापत्ति से लिया था, प्रकरण से लिया था कि ये सब धर्म सबके लिए हैं, तो सिद्धांत इसको ले कह रहा है कि अर्थापत्ति भी अपि नियोगता तत्रैव भवेत्, अर्थापत्ति भी नियमता वहीं होती है, सब जगह नहीं होती है, कुछ ही जगह पर होती है। यत्रैव शब्देन चोदना भवति नान्यथा, जहाँ शब्द के द्वारा कथन किया गया हो लेकिन फल नहीं मिल रहा हो तो अर्थापत्ति होती है, नान्यथा नहीं तो नहीं होती है। शब्द का कथन हो, शब्द का निर्देश हो, यानी प्रेरणा हो, वहां पर विधि की जा रही हो लेकिन वो व्यर्थ हो रही हो तो अर्थापत्ति लगाई जाती है। आगे यदि च प्रथनादीनाम आज्य सन्नयो अनुपकुर्वतामपि तत्प्रकरणे समामनायो अनुपपन्नो भवेत ततो अर्थात अदृष्ट उपकार कल्पेत, बोले जो प्रथन आदि हैं उनका आज्य सन्नयो अनुपकुर्वताम अपि, प्रथन आदि का प्रथन आदि यदि आज्य और सान्नय का उपकार न भी कर रहे हो तब भी उनका उपकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तत्प्रकरणे समामनायो अनुपपन्नो भवेत, और इससे उनका उस प्रकरण में पढ़ा जाना अनर्थक हो रहा है, अनुपपन्न हो रहा है, असिद्ध हो रहा है, ततो अर्थात अदृष्ट उपकार कल्पेते कल्पेत, तब अदृष्ट उपकार को की कल्पना करनी चाहिए नहीं तो नहीं। ते तु अवश्यम समामनीया औषधार्थम, ये जो प्रथन आदि धर्म है ये निश्चित रूप से औषधि के लिए ही, पुरडाश के लिए ही, यव और गृही के लिए ही पढ़े गए हैं। फलम ही सह चेष्टया अवहननादिकया अवगम्यते तुष्ट विमोचनादि, और इनका फल जो है चेष्टा के साथ साथ, चेष्टया सह कौन सी चेष्टा, अवहनन आदि चेष्टा के साथ साथ ही अवगम्यते जाना जाता है, और वो क्या है फल, तुष्ट विमोचनादि, उसका भूसा हट जाता है, ऊपर का छिलका हट जाता है। प्रयोजनम चेतेन, और उस छिलके के हटाने से वहां पर प्रयोजन है, सार्थकता है, क्यों न तस्मात्रिते पुरोडाशः सिद्ध्यति, छिलका उतारे बिना पुरोडाश बन नहीं सकता है। सती तस्मिन अर्थवान प्रकरणे समामनाया, और उसके होने पर यानी छिलके के हटने पर उसका प्रकरण में पढ़ा जाना, समामनाय में पढ़ा जाना, इस प्रकरण में पढ़ा जाना सिद्ध होता है, सार्थक होता है। छिलका नहीं उतरेगा तो वो पिसेगा नहीं ढंग से, और पिसेगा नहीं तो पुरोडाश नहीं होगा। अर्थवती च तस्मिन अदिष्ट कल्पनायाम प्रमाणम अस्ति इत्यतो न शक्यम कल्पयितुम, और इसके सार्थक होने पर अदृष्ट कल्पना में न अदृष्ट कल्पनायाम प्रमाणम अस्ति, अदृष्ट कल्पना को करने में कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि अदृष्ट फल ही हो रहा है, इसके कारण से न शक्यम कल्पयितुम, इसलिए अदृष्ट की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये सबके सब अदृष्ट से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि च तत्र तंडुलादि निष्पादनम दृष्टम न अभविष्यत, यदि उन जगह अवहनन आदि में तंडुल आदि का निकलना दिखाई नहीं दे रहा होता ततो विप्रयोगे, तब विपरीत प्रयोग होने पर, ठीक प्रयोग न होने के कारण से तंडुलादि नाम अभावात उपकारस्य शब्दार्थ मात्रम दृष्टोपकार अनपेक्षम कर्तव्यम इति आज्य सन्नयोरपि क्रियमाणानाम अदृष्टम अभविष्यत, यदि के को बोल करके कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता। फिर से देखिए यहां से,
यदि तंडुल आदि का निष्पादनम दृष्टम न अभविष्यत, उसका निकलना दृष्ट नहीं होता, तब फिर चूंकि विप्रयोग हो गया वहां पर हो नहीं पाया, तब तंडुलादियों का अभाव होने से उपकार, तंडुलादि के उपकार का अभाव होने से उपकारस्य अभावात ये शब्दार्थ मात्र हो जाएगा। जो ये कथन है उपकार तो वहां है नहीं, तो शब्द शब्दार्थ मात्र होगा, शब्द का अर्थ होगा, तो दृष्टोपकार अनपेक्षम, दृष्ट उपकार की अपेक्षा न करते हुए उसकी और कर्तव्यम ये करना चाहिए। इति आज्य सानय्य यूरोपी, तो इसलिए आज्य और सानय्य में भी ये किया जाता हुआ अदृष्ट के लिए हो जाएगा, प्रथन आदि जो है वो आज्य और सानय्य के लिए भी करते हुए सिद्ध हो जाएंगे। यदि तंडुल में प्रथन आदि यत अवनहन करने से वहां पर प्रयोजन तक नहीं दिख रही है, तो फिर वो वहां पर भी और यहां दूसरी जगह भी दृष्ट प्रयोजन न होते हुए भी अदृष्ट के लिए समझे जा सकते हैं। तस्मात् न प्रथन आदय सर्वत्र, इसलिए प्रथन आदि सब जगह नहीं होंगे, किसी जगह पे होंगे। एवं उत्पवनादय शाकाहरणादाय हरणादयश्च, उत्पवन आदि जो कि आज्य के धर्म है और शाकाहरण आदि जो कि सनय्य के धर्म है, वो भी सारे सब जगह नहीं होते हैं। तस्मात् न सर्वे सर्वत्र कर्तव्य, इसलिए सबको सब जगह नहीं करना चाहिए। प्रथनादयो न आज्य सान्नाय्य हो औषधे एवते, प्रथन आदि जो धर्म है वो आज्य और सान्नाय्य में नहीं होंगे, वो केवल औषधि में होंगे, औषध में ही होंगे। एक शब्द है औषधि, वो अलग है, औषध भी एक शब्द है अकारांत, तो उसमें औषधे बनेगा सप्तमी व्यक्ति को जन्म, औषधे एवते। उत्पवनादय आज्य से न औषध सान्नाय्य हो, और जो उत्पवन आदि धर्म है वो केवल आज्य के होंगे, न कि औषध और सनय्य के, ये सनय्य में सनय्य के। शाकाहरणादय सनय्य से, और शाकाहरण जो है ये सनय्य का ही होगा, न आज्य औषधयो इति सिद्धम, आज्य और औषधि के नहीं होंगे ये सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से इति निर्वपणादीनाम अर्थानुसारेण व्यवस्थित विषयताधिकरण, निर्वापण आदि जो धर्म है वो अर्थानुसार व्यवस्थित विषय वाले होते हैं, सब जगह नहीं होते हैं। व्यवस्थित विषय वाले मतलब यही होंगे, ये कर्म यही होंगे, ये धर्म यहीं पर ही होंगे, ये जो अवधारणा है ये प्रयोजन को देखते हुए होता है, यहाँ पर हुआ। ये अधिकरण समाप्त हुआ। पांचवा देखिए, स्वे आदिनाम संयोगानुसारेण व्यवस्थितत्वाधिकरणम। अब स्वे आदि, इस पर एक वो तलवार जैसा होता है लकड़ी की, उसको स्वे बोलते हैं, ऐसे कुछ और भी चीजें हैं, उनका संयोग के अनुसार व्यवस्थितत्व समझना चाहिए, जो जिसके साथ में जुड़े हुए हैं उसी से ही उसका संबंध जुड़ना चाहिए। पीछे जो था, पीछे जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हटा करके क्या था, जो जहां पर सार्थक होता है वहां पर लग जाना चाहिए, यह बात थी। अब पूर्व पक्षी उसी को लेकर के यहां पर समाधान देगा, वो पूर्व पक्ष होगा, और सिद्धांत कहेगा ना यहां यहां ऐसा नहीं लगेगा, यहां कुछ और लगेगा। पिछले वाले की अधिकरण को पढ़ के पूर्व पक्षी का दिमाग वैसा ही बना है, वो सब जगह उसी को लगाएगा, तो सिद्धांत कह रहे नहीं यहां नहीं लगेगा ये। देखिए, स्तो दर्श पूर्ण मास हो, दर्श पूर्ण मास है तत् समामनंती, वहां ये वचन मिलता है, स्वयश्च कपालानी च, या अल्प विराम, यानी दो दो का जोड़ा है यहां पर, स्वय और कपाल। अग्निहोत्र हवणीम च शूर्पम च, अग्निहोत्र हवणी और शूर्प, कृष्णाजिनम च शम्या च, कृष्णाजिन और शम्या, एक छोटी लकड़ी होती है, खूटी के सदृश लंबी होती है। उलूखलन च मुसलन च, उखल और मुसल, दिशच्च उपलाच, दिशत और उपल, दिशत वो पत्थर होता है नीचे वाला, और उपल यानी ऊपर का होता है जो लोडी बोलते हैं। एतानी भाई दश यज्ञायुधानी, ये दश यज्ञ के साधन है, यज्ञ के आयुध है। आयुध वैसे तो युद्ध करने के लिए होते हैं, लेकिन ये आयुध यहां पर कर्म के दृष्टि से है। तत्र संदीयते, इसमें संदेह है कि यो यह इध शक्यते ए भी कर्तुम तस्मै तस्मै पदार्थाय एतानी समामनाते समामनातानी, क्या जो जो यानी जो जो पदार्थ या कर्म है यहां पर संभव है, जिन जिन के साथ में, इनके साथ में जो संभव है उन्हीं उन्हीं के साथ में ये करने चाहिए, वहां पर वो पढ़े गए हैं। उत यद यद ये न संयुक्तम तस्मयी थी, अथवा जो जिससे जुड़ा हुआ है उससे करना चाहिए, जो जहां पर जिस पदार्थ के लिए संभव होता है वो करना चाहिए, जो जिससे जुड़ा हुआ है उससे करना चाहिए, दो पक्ष यहां पर बनेंगे।
जो कर्म जिससे किया जा सकता है वो कर्म उससे हो, या जो जिसके लिए कहा गया है उसके उससे हो। किम तावत प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहते हैं यदि यदि यद ये न शक्यम इति, जो जिससे संभव होता है, पिछले अधिकरण में यही कहा था ना, जिससे जो संभव होता है वही वहां करना चाहिए। तो यद ये न शक्यम इति कुतः एवं विधयो भविष्यन्ति तथा अर्थवंतः, और इसी के आधार पर विधया विधियां जो हैं वो सच अर्थ वाली हो जाएंगी, ठीक प्रकार से अर्थ वाली होंगी। तथा अर्थवंति भविष्यन्ति का मतलब है ठीक वैसी की वैसी सार्थक हो पाएंगी। इतर्था ते अनुवादा निष्प्रयोजना, नहीं तो ये अनुवाद और निष्प्रयोजन हो जाएंगी। प्रकरण अविशेषश्च सर्व पदार्थान इति, और जो प्रकरण है ये अविशेष रूप से सब पदार्थों के लिए है। यज्ञायुधानी इति च यज्ञ संयोगो अविशिष्टा, और यज्ञ के यज्ञायुधि हैं तो यज्ञ के संयोग, यज्ञ से इनका संयोग अविशिष्ट यानी समान है सबके लिए। तस्मात सर्वे सर्वत्र इत्येवं प्राप्तम, सारे सब जगह होंगे ये प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होने पर एवं प्राप्ते ब्रूमः, ये अब आगे कथन किया जा रहा है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतन। सभी को सादर अभिवादन। ओके।